नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। स्क्वायर जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी बी सी सी डी डी ए, ये चारों साइड्स कैसी हैं, इक्वल है। अपोजिट साइड पैरेलल होती है, ए बी के पैरेलल आपके डी सी है एंड ए डी के पैरेलल आपकी सी बी या बी सी है। ये तो ही साइड की प्रॉपर्टी। एंगल्स की प्रॉपर्टी, ऑल एंगल आर ऑफ 90 डिग्री। लाइक रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री थे, ए बी सी डी एंगल चारों एंगल 90 डिग्री के। ओके, डायगनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। रेक्टेंगल में भी डायगनल इक्वल थे, इसमें भी इक्वल हैं, इसमें भी बाइसेक्ट कर रहे हैं, रेक्टेंगल में भी कर रहे थे। ए ओ, ये ए सी डायगनल डी बी के इक्वल है एंड ए ओ इक्वल्स टू ओ सी एंड डी ओ इक्वल्स टू ओ बी। अब दोनों डायगनल इक्वल हैं तो ये जो पार्ट्स हुए हैं ये भी इक्वल होंगे, ए ओ इक्वल्स टू ओ सी इक्वल्स टू डी ओ इक्वल्स टू ओ बी। और ये जो डायगनल बाइसेक्ट होते हैं वो 90 डिग्री पे होते हैं, इसलिए जो एंगल बन रहे हैं ए ओ बी डी ओ सी ए ओ डी ओ सी ओ बी, ये 90 डिग्री के होंगे। ओके, लेकिन रेक्टेंगल में ऐसा नहीं था, तो इसलिए हमने रेक्टेंगल का ये वाला पॉइंट मैंने उसमें डिस्कस नहीं किया था। तो ये पॉइंट है, अगर रेक्टेंगल एक स्क्वायर हो तो फिर उसके डायगनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे, अदरवाइज उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि उसके डायगनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करें। बाइसेक्ट जरूर करते हैं, डायगनल इक्वल भी होते हैं, लेकिन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करते। लेकिन हमारे स्क्वायर में डायगनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो, ये पॉइंट था हमारा ओ, तो ए ओ बी 90, सी ओ बी भी 90, डी ओ ए भी 90 और डी ओ सी भी 90। तो ये हमारे स्क्वायर की प्रॉपर्टी। फिनिश। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।